No, I don't miss you. I miss the old me who was very happy without you. होता है कभी कभी ऐसा कि आप जब एक रिलेशन ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद आप एहसास कर लेते हैं कि चलें जी जो भी हुआ, उस वक्त कोई दूसरा आपसे बोले, आप खुद एहसास करें कि शायद पिछली बातें याद आ रही, बिकॉज़ एक टाइम पीरियड स्पेंड हुआ होता है आपका, तो पिछला वक्त अगर आपको याद आ रहा है, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं उन सारी जो मुसीबतें आई होती हैं आपकी लाइफ में उस रिलेशन को लेके, आप इस उससे अल्लाह का शुक्र है बाहर निकल चुके होते हैं, तो आप उस वक्त उस शख्स को याद नहीं कर रहे होते, आप अपने पुराने वाले अपने आप को याद कर रहे होते हैं कि उस शख्स से मिलने से पहले आप कितने अच्छे थे, हाउ हैप्पी यू वर, ठीक है, और कितना ज़्यादा आप खुश हुआ करते थे, कैसे आपकी लाइफ थी, इस शख्स ने तो आके सिर्फ और सिर्फ धमाल मचाया है ना, तो कमाल तब आपने करना है कि अब आपने उस शख्स को मिस नहीं करना है, बल्कि आपने अपनी ओल्ड जिस तरह के आप हुआ करते थे, आपने अब उसको वापस से लेकर आना है, वापस ट्राई करना है और ये देखना है कि मैं इस रिलेशन से पहले कितना अच्छा था और या कितनी अच्छी थी और कैसे मैं जो है ज़िंदगी की हर चीज़ों में इन्वॉल्व होता था, हर तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेशन, गेम्स खेलना, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ठीक है, लिसनिंग म्यूज़िक, इस शख्स ने तो सिर्फ सिर्फ मुझे गम ही दिया है, ठीक है। सो इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए कि वन थिंग इन योर माइंड कि कोई भी अगर आपको बोले, आपको खुद भी एहसास हो ना, क्योंकि इंसान तो सबसे बड़ा अपना जज खुद होता है, जब वो स्ट्रांग कहते हैं ना सबर करना जब आ जाता है, तो पिछली बातें भी एक एक वो टाइम होता है कि जब आप उसका मैसेज देखने के लिए 50 दफ़ा मोबाइल चेक करते हैं कि मैसेज आया 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 आया, ठीक है, और एक वो वक्त आता है कि दिल को जब सबर आ जाता है ना आपके, देन कम टू नो कि यार मोबाइल पड़ा हुआ है, आपको कोई गर्ज नहीं है, आपने पासवर्ड भी लगाया है नहीं लगाया, आपको कोई परवाह नहीं है, बिकॉज सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, जब वो आ जाती है तो फिर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। तो आप जब भी अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरे हैं, आपका बहुत अच्छा रिलेशन था, बच्चे भी थे, आपकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, कुछ भी हुआ, सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई, ताल्लुक ख़त्म हो गया, तो आप ये सोचिएगा कि आप उन पिछले लम्हों को बेशक याद कर लें लेकिन उसमें रहें नहीं, ठीक है, उससे मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, बिकॉज यू आर नॉट मिसिंग हिम और हर, यू आर मिसिंग द ओल्ड यू, कि आप उस शख्स से पहले कितना खुश थे। इस चीज़ को जहन में रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल द लव इज़, टेक केयर एंड टाटा।